What would I do if I had a million dollars? ये पूरा एक फ्रेज है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक से मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाली हूँ कि इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या रिलेशन है या क्या हिडन फ्रीक्वेंसी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जो लोग मेरे चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं दे नो वॉट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट इज फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है और जब सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ें वाइब्रेट कर रही होती हैं तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं आपके पास, अबंडेंस में आती हैं और फिर आपको छोटा सा इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ता है उसको रिसीव करने के लिए, जो कि सिर्फ ऐसा ही हो जाता है जैसे मान लो कोई आपके घर के दरवाजे पे आया, डोर बेल बजाई और उसने बोला दिस कुरियर इज फॉर यू, या ये चीज आपके लिए, तो आपको रिसीव करना है। बस इतने छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन? जिस एक्शन को करने से पहले आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े वो हो जाता है अपने आप ही, वो कहलाता है इंस्पायर्ड एक्शन। या आपको कहीं एक अचानक से ऐसा ट्रिगर मिलता है कि हाँ ये तो कर सकती हूँ मैं, ये मुझे करना चाहिए और ये मेरा मन हो रहा है ऐसा करने का और आपने कर डाला, वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन। तो अब हम देखते हैं कि हिडन फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है जिसके थ्रू हर चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो मिलियन डॉलर हो, जैसे अभी मैंने बताया कि नेपोलियन हिल की जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक है उसमें उन्होंने बोला है कि अब मैं क्या कर रहा होऊंगा जब मेरे पास मिलियन डॉलर हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जब हम सोचते हैं, इस तरीके से सोचना है कि आप एंड रिजल्ट, इसको आप बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और सिद्धांतों से भी मैच कर सकते हो, जैसे नेवल गोडार्ड का है लिव एट द एंड, कि लास्ट में आपको जीना है, यानी जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, चाहे पैसा हो, घर हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, गाड़ी हो, अच्छी लाइफ हो या कोई बड़ा ड्रीम हो, वो सब को आपको एक बार विजुलाइज करना है, एक बार उसको महसूस करना है कि मान लो इस वक्त इस पल वो हो गया तो आप कैसा महसूस करोगे। और एक बात आपको बताएं कि बहुत सारे लोग सिर्फ बोलते हैं, उसको जीते नहीं, उसको महसूस नहीं कर सकते और कई बार वो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं कि अगर मैं आपको चैलेंज दूं कि आप बोलो कि आई हैव 50 लाख रुपीज राइट नाउ, हाउ आई फील, कैसा महसूस करूंगी मैं, वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी हैप्पी, फ्री। चलो अब ये हो गया, अब आप क्या करोगे, व्हाट यू डू, यही चीजें फीलिंग क्रिएट करती हैं। तो हिडन फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस में है, किस में एग्जिस्ट करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा उसका, जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी चलने के लिए फ्यूल, पेट्रोल चाहिए या जो भी उसकी फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, तो वो ईंधन क्या है, ईंधन है इमोशन या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी किससे क्रिएट होती है, इमोशन से। इमोशंस क्या है, फीलिंग। जब आप वो फील वैसा करने लगते हो तो वो सारी चीजें आपके पास आने लगती हैं जो सेम चीज की रहती है। और ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, तो हिडन फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन योर फीलिंग, ये आपकी फीलिंग पे महसूस, फीलिंग पे एग्जिस्ट करता। तो आप फीलिंग कैसे क्रिएट करना है अबंडेंस की, या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी फीलिंग कैसे करना है, उसके लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइज जब आप करोगे तो आपको वैसा महसूस होने लगता है इट्स ऑलरेडी डन, और आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, आपका सबकॉन्शियस माइंड असली नकली को नहीं पहचान पाता है, आपने जो इमेजिन किया वो उसको सच ही समझता है, यानी आपके जीवन की वही रियलिटी है। और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक मोड में काम करता है तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगेंगी, आपको छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया, इट्स वेरी इजी। तो उस फ्रीक्वेंसी को आप सबसे पहले तो ये समझ गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस बेस पे काम करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी फीलिंग पे। तो ये छुपी हुई किस में रहती, इमोशंस। अब आप
इमोशंस को कैसे चेंज कर सकते हो, या आप क्या चाहते हो, आपके जीवन में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आप इनसे निकल के एक अबंडेंस की लाइफ जी सकते हो, उसको समझना बहुत जरूरी। तो आपकी सारे जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस, कि आपने उसको कितना महत्व दिया है। और जो इमोशंस रहते हैं ना, वो आदत होती है, आदत। कई लोगों को दुखी रहने की ही आदत होती है, वो हमेशा सैड ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनको सैड होने का मौका और मिल जाएगा। वो एक्चुअली ढूंढ लेते हैं अच्छी चीज में भी, अगर कोई व्यक्ति दुखी होना चाहे ना, तो उसमें से उसका मीनिंग कुछ अपने अकॉर्डिंगली निकाल के, और वैसे ही वो एक्शन भी लेने लगता है। मतलब ये उसका सेकेंड नेचर बन चुका रहता है, ये उसका पैटर्न बन चुका रहता है। इसीलिए बोलते हैं मनी क्या करती है, मनी आप जैसे व्यक्ति हो उसको और इन्हेंस कर देती है। अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है, उसके नेचर में है, तो जब पैसा आ जाएगा तो वो और दूसरों की हेल्प करेगा, ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर किसी को दुखी होने की आदत है, तो उसके पास अगर 1 लाख भी आ जाएगा ना, तो बोलेगा ये तो कम है, 1 करोड़ होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जो हम जैसे रहते हैं ना, मनी उस चीज़ को और बढ़ा देती है। और ख़ासकर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ये इसको पहचानना बहुत ज़रूरी, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले पहचानो कि आपको कैसे रहने की आदत है। देखो कई लोगों को खुश रहने की आदत होती है, तो वो हमेशा खुशी का बहाना ढूंढ लेते हैं। और जिन लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम्स की आदत रहती है, उनको आप सही सॉल्यूशन भी बता दोगे तो वो उसमें भी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको, जो सच में ठीक होना ही नहीं चाहते, उनको आप हर चीज़ बता दोगे कि ये सिर्फ दवाई खाने से ठीक नहीं होगा, आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो करेंगे, बट वो फिर आप ठीक भी हो जाएंगे तो भी 15 दिन में फिर आ जाएंगे, नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब उनको आदत है। कई लोगों को वो अपना लगने लगता है कि यही मेरा एग्जिस्टेंस है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी पहचान है, तो यूनिवर्स भी वैसा ही रिएक्ट करता है। तो आज सबसे पहले आप अपने पैटर्न को पहचानिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो अभी, और उससे आपको जीवन में वैसे ही महसूस करने में फ़ायदा है या नुकसान। अगर नुकसान हो रहा है तो अभी के अभी उसको बदलिए। अब बदलिए कैसा, तो आप कैसा फील करना चाहते हो उसको पहचानिए। अगर आप हमेशा दुखी रहते हो और दुखी रहने की कोशिश ही करते हो, आप हमेशा वैसे ही महसूस करते हो, सलाह लेते रहते हो पर इम्प्लीमेंट होता नहीं है कुछ, क्योंकि वो खींचता है अपनी तरफ, आप वापस वैसे ही हो। ये बहुत डीप पैटर्न होता है, बचपन से कई बार बन जाता है, कैसे बन जाता है हमको पता भी नहीं रहता। बहुत सारा रोल इसमें एनवायरमेंट का रहता है कि आपका माहौल कैसा है, और वैसे ही हम एक हिडन, एक छुपी हुई आइडेंटिटी अपनी खुद की बना लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमारी करंट रियालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो उस पैटर्न को आप पहचान लो आज ही, आज ये ही एक काम करना है आपको, कि पहचानना है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कैसे इमोशंस में मेरा जो सेकंड नेचर बन चुका है, क्या मेरा वो पैटर्न है, और क्या ये मेरी मदद कर रहा है। अगर मदद कर रहा है जीवन में बढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मदद नहीं कर रहा है तो उसको तोड़िए, ब्रेक डाउन कीजिए। इसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। और इसके लिए आपको ब्रेक डाउन करने के लिए तो पहले ये महसूस करना है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कैसा महसूस करना चाहते हो। जैसे मान लो आप दुखी हो तो आप खुश महसूस करना चाहोगे, अगर आपको किसी भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप सेटिस्फेक्शन की फीलिंग क्रिएट करना चाहोगे। तो अब ये देखिए कि वो फीलिंग जो आप चाहते हो, जैसे खुशी की, तो आप खुशी की फीलिंग क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हो, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हो। बस अब उन्हीं चीज़ों को आपको करना है, और ये चीज़ों को क्रिएट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बेस्ट मेथड है एफर्मेशंस। आप एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आप सिंपल सा, जैसे दुखी रहते हो तो आप ये बना सकते हो, आई एम हैप्पी। और जब इसको बार बार आप रिपीट करोगे तो धीरे धीरे इमोशंस भी आने लगते हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं सोचते हैं वही तो फीलिंग क्रिएट करता है, वही तो हमारे शरीर में इमोशंस लाता है। और जब हमारे इमोशंस वैसे रहते तो हमारी फ्रीक्वेंसी वैसी रहती है, तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी वैसी रहती है तो जो चीज़ें उस सेम फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं, चाहे आपका
पर्सन हो कोई जिसको आप चाहते हो अपने जीवन में लाना, या मनी हो, या घर हो, कार हो, कुछ भी, उन सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। और जब आप उस सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपके जीवन में उनको लाने की पूरी कोशिश करने लगता है। आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड उसको असली मान चुका है कि आई ऑलरेडी हैव इट, तो वो शो करता है, वो खुद ही बोलते हैं ना, आपका दिमाग आपको दिखाएगा रास्ते, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यही वो बहुत इजी तरीका है अपने जीवन में चीजों को लाने का, वरना आप लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे, दुखी रहोगे और दिन रात मेहनत करोगे, कोशिश करोगे मेरे जीवन में अबंडेंस आ जाए, पैसा आ जाए, अच्छी रिलेशनशिप हो। अरे जब आप खुद ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो क्या गारंटी है कि वो रिलेशन आ जाएगी तो भी आप खुश रहोगे? और ये बात पक्की है कि अगर आप लव के वाइब्रेशन में नहीं हो तो कोई दूसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता आपके जीवन में जो सेम फ्रीक्वेंसी का हो। आपको हमेशा अपने सेम चीजें ही मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज योर इमोशंस, दिस इज द हिडन फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही छुपा हुआ एक रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि इमोशंस को पहचानिए, चेंज कीजिए और बदलिए, और वैल्यू आप उसकी अगर आपके आपके जीवन में आप सच में उसको इम्पोर्टेंस देते हो तो आप बदलोगे, और अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो तो बस इस तरह की वीडियो सुनोगे और निकल जाओगे। हो सकता है कमेंट भी कर दो कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो, कई बार अच्छा कर देते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, किसी की मदद नहीं होती, तो वो वैसा भी करते हैं, ये उसके उनके बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं जीवन में, बदलती हैं आपके जीवन को। बदलने का सबसे साइंटिफिक, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे सरल और आपके हाथ में, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ को, वो तरीके हैं। तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये छुपी हुई फ्रीक्वेंसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करो और लिस्ट बनाओ कौन से इमोशंस आपको हेल्प नहीं कर रहे, उनको चेंज करो एफर्मेशंस के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मैं एफर्मेशंस के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कौन से एफर्मेशंस आपको यूज़ करने चाहिए। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।